हेलो फ्रेंड्स, तुम्हारे आज का टॉपिक है डीएनए सीक्वेंसिंग। इसका सिनोप्सिस है इंट्रोडक्शन मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, टू मेथड है मिक्सन एंड गिल्बर्ट मेथड और सेकंड है सेंगर मेथड, कंक्लूजन रेफरेंस। इंट्रोडक्शन, किसी डीएनए खंड का शारक क्रम ज्ञात करना डीएनए सीक्वेंसिंग कहलाता है। इसके लिए 100 शारक लंबे डीएनए खंडों का यूज़ करते हैं। जिस डीएनए खंड की सीक्वेंसिंग करनी होती है उसकी वृहद सी प्रतियों की आवश्यकता होती है। ये प्रतियां जीन क्लोनिंग या पीसीआर विधि से प्राप्त की जा सकती हैं। मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए खंड के शारक के अनुक्रम को ज्ञात करने की दो मेथड हैं। फर्स्ट है मिक्सन एंड गिल्बर्ट मेथड, इसे रासायनिक विघटन विधि भी कहते हैं। इस मेथड में डीएनए खंडों के दोनों स्ट्रैंड के 5' एवं 3' सिरे पर रेडियो चिन्हित 32 PA ATP जोड़ा जाता है। 5' 32 PG CTA CGTA 3' क्लीवेज 8 A+G GC C+T A+G 32 PG CT, ये पूरा लिखना है। इसका डायग्राम है सीक्वेंसिंग जेल को कैसे जमाते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग एनालिसिस बाय मिक्सन एंड गिल्बर्ट प्रोसीड्यू, मतलब ये जो गिल्बर्ट मिक्सन ऑफ गिल्बर्ट है ना, उसकी विधि है इस टाइप से। अब डीएनए की दोनों लड़ियों को विगुणित करके एकल स्ट्रैंड यानी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्राप्त करते हैं। इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को 4 परख नलियों के एक एक भागों में बांट लेते हैं। प्रत्येक मिश्रण को ऐसे रासायनिक अभिकर्मकों से क्रिया करते हैं जिसके प्रत्येक मिश्रण में विभिन्न माप के डीएनए खंड प्राप्त होते हैं। इन खंडों को अभिक्रिया मिश्रणों की इलेक्ट्रोफोरेसिस के जेल की अलग अलग लेनों में करके ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा जेल में उपस्थित डीएनए का बिंब करते हैं। प्रत्येक डीएनए खंड के लिए बनाए गए 4 अभिक्रिया मिश्रण से बेंड की तुलना करके इस खंड का शारक क्रम ज्ञात करते हैं। सेंगर मेथड, इसे प्लस एव माइनस मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड में डीएनए खंडों के दोनों स्ट्रैंड के 5' एवं 3' सिरे को रेडियो चिन्हित करने के बाद डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को विगुणित करके सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्राप्त करते हैं। इसे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को 4 परख नलियों को 4 भागों में बांट लेते हैं। प्रत्येक परख नली में भिन्न भिन्न डाईआईडी ऑनसी न्यूक्लियोटाइड्स मिलाए जाते हैं। चारों परख नलियों में क्रमशः DDGTP, DDATP, DDTTP तथा DDATP डाईडी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जाते हैं। विभिन्न डाईडी ऑक्साइड न्यूक्लियोटाइड्स विशिष्ट स्थलों पर नए स्ट्रैंड के संश्लेषण को बंद कर देते हैं, जिससे प्रत्येक परख नली में विभिन्न माप के डीएनए खंड प्राप्त होते हैं। इन चारों परख नलियों के अभिक्रिया और मिश्रणों की इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ही जेल के अलग अलग लेनों में करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा जेल में उपस्थित बैंड का बिंब प्राप्त करते हैं। प्रत्येक डीएनए खंड के लिए बनाए गए 4 अभिक्रिया मिश्रणों के बैंड की तुलना करके इस खंड का शारक क्रम ज्ञात करते हैं। कंक्लूजन, अतः डीएनए सीक्वेंसिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी डीएनए खंड के शारक अनुक्रम को ज्ञात किया जाता है। रेफरेंस है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ पॉलिटिकल बायोकेमिस्ट्री पीटर एंड कंपेल। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलें।